नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अब पीएम मोदी के नाम पर। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड मोंटेरा स्टेडियम बुधवार को खिलाड़ियों को लोकार्पित कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज के तीसरे मैच से पहले स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेडियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने की भी घोषणा की। अगली खबर है, सभी बुजुर्गों व 45 से अधिक उम्र के बीमार लोगों को मुफ्त टीका। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होगा। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों व 45 से अधिक उम्र के बीमार लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसकी मंजूरी दे दी है। सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका नहीं। सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक और मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रयास कर चुके अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने से इनकार कर दिया है। उत्तराखंड के सनी व मोहित को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। उत्तराखंड के दो बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाने वाले रामनगर के सनी और पिथौरागढ़ के मोहित का चयन भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2020 के लिए किया गया है। पीएम का फिल्म निजीकरण पर जोर, कहा कारोबार में सरकार का कोई काम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से निजीकरण पर जोर देते हुए कहा कि सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है। उन्होंने कहा कि घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। सरकारी कंपनियों को सिर्फ इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि वे विरासत में मिली है। पीएम ने स्पष्ट किया कि 4 रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। घाटे में चल रहे 100 सार्वजनिक उपक्रम बेचकर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। अगली खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में 1 मार्च से खुलेंगे सभी विश्वविद्यालय कॉलेज। कोरोना लॉकडाउन के बाद से कॉलेज विश्वविद्यालयों पर लगी सभी बंदिशें हट गई हैं। सरकार ने 1 मार्च से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को पूर्व की भांति खोलने का आदेश जारी कर दिया है। बुधवार को प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। इसके तहत कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पूर्णागिरी के लिए ट्रेन 26 फरवरी, सिद्धबली के लिए 3 मार्च से। नई दिल्ली से टनकपुर के लिए पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस और नई दिल्ली से ही कोटद्वार के लिए सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन की तारीखें तय हो गई है। 26 फरवरी को पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन और 3 मार्च को सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन होगा। एक अच्छी खबर आ रही है, ऐलान, बुजुर्गों को 1 मार्च से टीका। कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मार्च से शुरू होगा। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को व 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टीका लगवाया जाएगा जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सख्ती, मास्क इधर उधर फेंका तो 500 रुपए का जुर्माना। उत्तराखंड में अब कोई व्यक्ति मास्क को इधर उधर फेंकते हुए पकड़ा गया तो 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की ओर से बुधवार को इस संदर्भ में आदेश किए गए हैं। अगली खबर है, दून में फरवरी के तापमान में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दून में फरवरी की दोपहर पिछले 10 साल में सबसे गर्म रही। बुधवार को तापमान 30.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उत्तराखंड रोडवेज का सफर 15 रुपए तक का महंगा। उत्तराखंड रोडवेज की बसों में गढ़वाल कुमाऊं के साथ यूपी के कई रूटों का सफर महंगा हो गया है। लच्छीवाला में टोल टैक्स लगने के बाद रोडवेज ने बसों का किराया बढ़ा दिया है। बसों के किराया 5 रुपए से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला के पास रोडवेज की बसों को टोल टैक्स देना पड़ रहा है। मोबाइल मांगकर भागने वाला पकड़ा। वसंतविहार पुलिस ने कॉल करने के लिए मोबाइल भागकर फरार होने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गोविंद सिंह उर्फ बैटरी निवासी शास्त्री नगर खाला को गिरफ्तार कर आरोपी के पास से ठगा गया मोबाइल बरामद किया गया। मेडिकल विश्वविद्यालय से करिए हेल्थ मैनेजमेंट में डिप्लोमा। हेमवती नंदन बहुगुणक मेडिकल विश्वविद्यालय और दून मेडिकल कॉलेज इग्नू के सहयोग से हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा कोई भी अधिकारी और कर्मचारी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। हाई राइज बिल्डिंग की फाइल शासन में अटकी। रेलवे स्टेशन पे हाई राइज बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव शासन ने जाकर अटक गया है। हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए रेलवे स्टेशन की जमीन को आईआईटी ने सॉइल टेस्टिंग की थी। इसकी रिपोर्ट शासन में भेजी गई लेकिन शासन इस पर अब तक कोई फैसला नहीं ले सका है। देहरादून रेलवे स्टेशन बनेगा एयरपोर्ट की तरह आधुनिक। रेलवे स्टेशन पर अधिक भीड़ के दौरान भी व्यवस्था बनी रहे इसके लिए आई अराइवल व डिपार्चर के लिए
अलग अलग व्यवस्था रहेगी। ट्रेन के लगने पर ही वह प्लेटफॉर्म में जा सकेंगे। इससे पहले वह बाहर कॉनकोर्स में रहेंगे। इसकी सुविधा के लिए आधुनिक रेस्टोरेंट बनेगा जहां से मसूरी का पूरा व्यू नजर आएगा। साथ ही कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स होटल कॉनकोर्स बनाया जाएगा। जल संकट वाले क्षेत्र 15 तक चिन्हित हो त्रिवेंद्र। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जल संस्थान को 15 मार्च तक पेयजल संकट के लिहाज से संकटग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि तय मानकों के पालन करते हुए पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाए। 400 युवाओं ने पहली बाधा पार की। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र रानीखेत में सेना की ओपन भर्ती रैली के तीसरे चरण में बुधवार से गृह जनपद अल्मोड़ा की भर्ती शुरू हुई। पहले दिन अल्मोड़ा और भिकियासैंण तहसीलों में 1550 युवा दौड़ में शामिल हुए और 400 अभ्यर्थियों ने दौड़ की पहली बाधा पार कर ली है। उत्तराखंड में 1 मार्च से खुलेंगे कॉलेज। उत्तराखंड के डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में 1 मार्च से नियमित रूप से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अभी तक कोरोना महामारी के कारण पहले व अंतिम सेमेस्टर के छात्र प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज आ रहे थे। अब सरकार ने सभी कक्षाएं ऑफलाइन संचालित करने का निर्णय ले लिया है। युवक युवती ने जहर खाकर की खुदकुशी। नैनीताल जिले में बुधवार को 2 अलग अलग मामलों में युवक और युवती ने जहर निकालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक कोटाबाग क्षेत्र के रियाल गांव की 22 वर्षीय माया ने जहर खा लिया। एसटीएच में इलाज के दौरान एसटीएच में मौत के बाद युवती का पोस्टमार्टम किया गया। 26 वर्षीय कविंद्र पुत्र पान सिंह निवासी ढेला गाँव रामनगर की मौत भी जहरीला पदार्थ खाने से हुई। संग्रहालय को सौंपे प्राचीन सिक्के। मुगल व उत्तर मुगल काल में प्रचलित 100 दुर्लभ सिक्के राज्य के संग्रहालय को मिले। राई आगर में 70 साल पूर्व एक मकान के निर्माण के लिए निकाले जा रहे पत्थरों की खान में सभी सिक्के दबे मिले थे। अभी संबंधित परिवार ने राजकीय संग्रहालय को दे दिया है। अगली खबर है, अब आंख और चेहरे से होगी भर्ती परीक्षाओं में हाजिरी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की हाजिरी अब हाथ से नहीं होगी। आयोग इसके लिए बिना छुए हाजिरी की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग ने इसकी कवायद तेज कर दी है। संस्कृति निदेशक ने सचिव पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। संस्कृति विभाग के निदेशक बीना भट्ट ने सचिव दिलीप जावलकर के खिलाफ शासन से शिकायत की है। निदेशक ने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2017 से सचिव की ओर से उत्पीड़न किया जा रहा है। अपात्र लोगों को टेंडर और अन्य लाभ दिलाने के लिए कई तरह से दबाव बनाने के साथ डराया धमकाया जा रहा है। वहीं जावलकर ने आरोपों को आधारहीन बताया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए उपनल कर्मी। 2 दिन के कार्य बहिष्कार के बाद उपनल कर्मियों ने बुधवार को प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इससे खासकर अस्पतालों बिजली दफ्तरों समेत विभिन्न विभागों में व्यवस्थाएं बाधित हुई है। कर्मचारियों ने 26 फरवरी को सचिवालय घेराव की चेतावनी दी है। ऋषिकेश महाविद्यालय होगा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का परिसर। ऋषिकेश महाविद्यालय अब श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का परिसर होगा। शासन व परिसंपत्ति हस्तांतरण का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद राजस्व अभिलेखों में दर्ज चल अचल संपत्ति श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के अधीन हो जाएगी। कुंभ में यूपी से 1000 पुलिस कर्मी और 20 कंपनी पीएसी चाहिए। कुंभ मेले के दौरान मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से 1000 पुलिस कर्मियों व 20 कंपनी बीएससी की जरूरत होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्द वार्ता करेंगे। राज्य सरकार को 5 अप्रैल से 15 अप्रैल की अवधि के लिए अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है। नागा सन्यासियों का धर्मनगरी पहुंचना शुरू। अगली खबर है, संतों को भी लानी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। महाकुंभ स्नान के लिए आने वाले संतों को भी 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव जांच रिपोर्ट लानी होगी। सभी अखाड़ों की छावनियों में ठहरने वाले संतों को कोविड की एंटीजन जांच की जाएगी। इसके साथ छावनियों में नियमों का पालन करना होगा। अगली खबर चमोली आपदा से है, लापता लोगों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू। चमोली जिले में 7 फरवरी को आई आपदा में लापता व्यक्ति को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। लगातार चल रहा खोज अभियान, नहीं मिले शव। तपोवन सुरंग और बैराज साइट में मलबा हटाने और लोगों की तलाश का अभियान आपदा के 18वें दिन भी जारी रहा। हालांकि बुधवार को कोई शव नहीं मिला, मंगलवार को भी कोई शव बरामद नहीं हुए थे। उत्तराखंड की दिल खोलकर मदद कर रही केंद्र सरकार भगत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड में विकास को गति देने के लिए दिल खोलकर मदद कर रही है। आने वाले समय में राज्य बदले स्वरूप में दिखेगा।
डिग्री कॉलेजों को मिले हिंदी के 48 असिस्टेंट प्रोफेसर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हिंदी विषय के 48 असिस्टेंट प्रोफेसर की शासन ने बुधवार को तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अल्मोड़ा जिले के डिग्री कॉलेज में 17, नई टिहरी के डिग्री कॉलेजों में 7, पौड़ी गढ़वाल के 9 और चमोली जिले के राजकीय डिग्री कॉलेजों में हिंदी के 15 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैनाती की गई। अगली खबर बागेश्वर कपकोट से है। खच्चर को बचाने में गई महिला की जान कपकोट के वाचन में करंट की चपेट में आने से एक खच्चर को बचाने में महिला की जान चली गई। पूर्व राज्य मंत्री के बयान पर बिफरी आंदोलनरत महिलाएं, पुतला फूका। मुख्यालय पौड़ी में लंबे समय से आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण व पेंशन की मांग को लेकर आंदोलित महिलाओं ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री धीरेन्द्र प्रताप के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष का पुतला फूकते हुए कहा कि धीरेन्द्र प्रताप ने मातृशक्ति का अपमान किया है। उन्होंने विवादित आंदोलनकारियों के चयन की जांच की मांग की थी। गंगोत्री हाईवे पर चलती कार में लगी आग, बड़ा हादसा टला। गंगोत्री हाईवे पर तेखला में बुधवार को एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मुंबई से आई महिला कोरोना पॉजिटिव। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुंबई से आई एक महिला की एंटीजन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर केएस भंडारी ने बताया कि उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। बुधवार को 45 लोगों की एंटीजन और 2 लोगों का NTPCR टेस्ट किया गया। मोबाइल शोरूम में चोरी में 2 गिरफ्तार। चक्राता रोड पर मोबाइल शोरूम में हुई चोरी के आरोप में पुलिस ने शटर काटने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग घोड़ासन के नाम से भी ख्यात है और चोरी के मोबाइल नेपाल में बेचता है। इसके पास से 1,00,000 रुपए से ज्यादा नकदी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार घटना को कुछ 6 लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें से 4 अभी पकड़ से बाहर है। जमीन की धोखाधड़ी में यूपी के SDM पर मुकदमा। जमीन में जुड़ी धोखाधड़ी में उत्तर प्रदेश के औरैया व SDM सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि SDM ने 15 साल पहले देहरादून में तहसीलदार रहते धोखाधड़ी से जमीन बेचने में एक महिला की मदद की थी। आश्वासन के बाद छात्रों ने स्थगित किया आंदोलन। प्रदर्शन और हंगामे के बाद सकारात्मक कार्रवाई के आश्वासन मिलने पर DAVPG कॉलेज के छात्रों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। छात्रों को समस्याओं के समाधान के लिए प्राचार्य ने एक कमेटी गठित की। GIC पोखरी सौड़ का भवन जर्जर, चिन्यारी सौड़। कारगिल शहीद दिनेश चंद कुमाई GIC पोखरी सौड़ जोगत के 4 दशक बाद भी विद्यालय भवन नसीब नहीं हो पाया है। यहाँ 6ठी से 12वीं तक की कक्षा जूनियर हाई स्कूल के 5 कमरों में संचालित हो रही है। ग्रामीणों ने शीघ्र विद्यालय भवन का निर्माण कराने की मांग की है। नहीं मिल रहे वाजिब दाम, मंडी में सब्जियां फेंक रहे किसान। कमर तोड़ महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी हर तोड़ की मेहनत करके फसल उगाने वाला किसान परेशान है। मंडी में पहुंचकर किसानों ने उनकी सब्जी का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। किसानों को मुनाफा तो दूर, खाद बीज और मंडी लाने का भी भाड़ा तक नहीं मिल पा रहा है। हताश किसान मंडी में सब्जियां फेंकने को मजबूर है, जबकि कई किसानों ने मंडी के बजाय ट्रैक्टर ट्रॉली में सब्जियां लाद कर फेरी लगाना शुरू कर दिया है। महिला कांग्रेस नेता की पुत्रवधु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। प्रदेश कांग्रेस की महिला सचिव की पुत्रवधु और भाजीमो के जिला मंत्री की बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पहुंचकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पाड़ी के गोदाम में मिली फिश प्लेट। कबाड़ी गोदाम में छापामारी में रेलवे का लाखों रुपए की कीमत का कई टन लोहा बरामद हुआ। RPF की छापामारी से क्षेत्र के अन्य कबाड़ियों में हड़कंप मच रहा है। RPF ने कई कबाड़ियों से पूछताछ की। इस मामले में रेलवे सूत्रों से पता चला है कि कई लाख रुपए का चोरी का सामान खरीदा गया है। होटल में चल रहे देव व्यापार का भंडाफोड़। होटल में चल रहे देव व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने होटल को सील करते हुए पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 26 से 28 तक हो सकती है बारिश, मौसम विभाग का अनुमान। जिले के किसानों को सिंचाई नहीं करने की सलाह। आने वाले दिनों में जनपद में बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि आए दिन सुबह को ही तेज धूप खिलने से गर्मी का असर भी साफ दिखाई देने लगा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 27.5 और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कांग्रेस ने भाजपा नेता के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने भाजपा के एक नेता के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा नेता पर एक संविदा कर्मचारी से स्थायी नियुक्ति के लिए 4,00,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। शहर के लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, साइड न देने पर हो सकता है चालान। पुलिस अधीक्षक यातायात देवेंद्र पिंचा ने कहा कि एम्बुलेंस को पास न देना गलत बात है।
मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर एम्बुलेंस को सबसे पहले पास देना चाहिए। पता नहीं एम्बुलेंस में मरीज किस हालत में हो, एम्बुलेंस को पास ना देने वाले वाहनों का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया जा सकता है और वाहन को सीज भी किया जा सकता है। सर्किल रेट गिरे, बड़ा जमीन का धंधा। सर्किल रेट में 10% की कमी होने के साथ ही जमीन का कारोबार बढ़ गया है। जमीन की खरीदारी और बिक्री में उछाल आया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 10 से 24 फरवरी के बीच 216 रजिस्ट्री अधिक हुई है। वहीं अगली खबर हल्द्वानी से है। दूषित पेयजल की सप्लाई पर भड़के। राजपुरा पड़ाव में दूषित पेयजल की सप्लाई पर क्षेत्रवासी भड़क गए। उन्होंने बुधवार को जल संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन किया और ईई को ज्ञापन सौंपा। 26-27 को बारिश बर्फबारी की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 26 और 27 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। शिक्षिका ने पिज्जा के ऑर्डर में गंवाए 60,000। सरकारी स्कूल के अध्यापिका को ऑनलाइन पिज्जा का ऑर्डर महंगा पड़ गया। पिज्जा तो मिला नहीं, उल्टे 60,000 की ठगी हो गई। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। एसटीएच रेडियोलॉजी विभाग के अप्रैल में बंद होने की नौबत। राजकीय मेडिकल कॉलेजों के रेडियोलॉजी विभाग में मैच 3 पीजी डॉक्टर काम कर रहे हैं। अप्रैल में तीनों डॉक्टरों के जाने के बाद विभाग बंद करने की नौबत आएगी। अव्यवस्थाओं ने ली बच्चों की परीक्षा। भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिवाल बाड़ी के पास जवाहर नवोदय विद्यालय में बुधवार को कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा देने आए बच्चों को अव्यवस्थाओं के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। तय समय से 1 घंटा देरी हुई। परीक्षा में 866 में से केवल 538 बच्चे मौजूद रहे। राजीव नवोदय की प्रवेश परीक्षा 28 को। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 28 फरवरी को होगी। प्रदेश में 104 केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा होगी। खाली रह गई 250 से अधिक सीटें। एमबीपीजी कॉलेज में इस बार ऑनलाइन प्रवेश के चलते एमए के 13 विषयों को 900 सीटें नहीं भर सकी। 250 से अधिक सीटों पर दाखिले नहीं हो सके और सीटें खाली रह गई। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने बुधवार को परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषयों में दाखिले देने की पेशकश की गई, लेकिन इसमें गिनती के ही दाखिले हुए। फॉर्म में खुद संशोधन कर सकते हैं छात्र। एमबीपीजी कॉलेज में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों की ओर से इग्नू इंडक्शन मीटिंग आयोजित की गई। इसमें देहरादून के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद ने कहा कि छात्र छात्राओं द्वारा आईडी एवं पासवर्ड जनरेट कर जरूरत के अनुसार फॉर्म में संशोधन किया जा सकता है। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं अपना एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं और जरूरत के अनुसार पता परिवर्तित कर सकते हैं। अगली खबर चंपावत से है। स्कूल की 20 किलोमीटर दूरी 51 किलोमीटर दूर परीक्षा को मजबूरी। मोटर मार्ग में फासला और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी विकास के लिए ही ग्रहण नहीं है, बल्कि इनके मार ननिहालों पर भी पड़ रही है। डांडा कनकई और बुरम गांव के हाई स्कूल और इंटर बोर्ड के अभ्यर्थियों को इसका सीधा नुकसान हो रहा है। यहां के अभ्यर्थियों की पढ़ाई तो गांव जीआईसी में ही होती है, लेकिन परीक्षा नहीं। काली नदी में टैंकर गिरा, चालक की जान गई। एसएसबी की बीओपी निर्माण के लिए सरिया और सीमेंट लेकर अमतड़ी जा रहा टैंकर टनकपुर जौलजीबी सड़क पर चकद्वारी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में घायल टैंकर चालक की अस्पताल पहुंचने तक मृत्यु हो गई। पंचेश्वर में रिवर राफ्टिंग का 5 दिवसीय शिविर शुरू। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की पहल और रियल एडवेंचर संस्था के सहयोग से पंचेश्वर में युवक युवतियों का 5 दिनी रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण शुरू हो गया। प्रशिक्षण में अल्मोड़ा जिले के 24 युवक युवतियाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। चंपावत प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने बेसिक शिक्षक भर्ती में आवेदन का अवसर दिलाने की मांग की है। बुधवार को शिक्षा मित्र संगठन की गौरल चौड़ मैदान में हुई बैठक के बाद शिक्षक भर्ती में सीटीईटी प्रथम उत्तीर्ण शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की मांग को लेकर डीएम के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ये खबर रुद्रपुर से है। कुकर्म के प्रयास में 69 साल के वृद्ध को 10 साल की सजा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने किशोर से कुकर्म के प्रयास में 69 वर्षीय अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की 90% राशि पीड़ित को देनी होगी। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ उठाएं। ऊर्जा निगम की ओर से 25 फरवरी से चलाई जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अब 70 उपभोक्ता लाभ ले चुके हैं। ईई दीपक सैनी ने बताया कि इस स्कीम में उपभोक्ता लंबित बिलों की मूलधन राशि एक मुश्त जमा कर उसमें लगे ब्याज से निजात पा सकते हैं। उन्होंने स्कीम का लाभ लेने की अपील की है। उपखंड कार्यालय पर बकाया वसूली अभियान की समीक्षा करते हुए ईई सैनी ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ अब कॉमर्शियल ट्यूबवेल के अलावा घरेलू कनेक्शन धारकों को भी दिया जा रहा है। वन टाइम सेटलमेंट का लाभ सभी उपभोक्ता लेते हैं तो उन्हें 5 से 6 करोड़ रुपए के ब्याज में छूट मिलेगी। सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा फिर सवालों के घेरे में। जीबी
पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2018-19 में 93 सहायक लेखाकार पदों पर आयोजित भर्ती में उजागर हुई धांधली के बाद शासन और हाईकोर्ट ने परीक्षा निरस्त कर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा दोबारा कराए जाने के आदेश जारी किए।